नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एम जे इंदर सिंह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हॉर्स लवर जितने भी है उनका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी मैं आ चुका हूं पंजाब और ये मुक्तसर मंडी में अभी मैं खड़ा हूं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे जो ट्रक हैं जो घोड़ों से भर भर के आ रहे हैं। मैं पूरा मंडी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे। काफ़ी सारे घोड़े आने शुरू हो गए हैं। जो 12 तारीख से जो ये मंडी चालू होने वाली थी वो आज से हो चुकी है चालू, और काफ़ी व्यापारी भी आ चुके हैं जो खरीदने वाले हैं, और घोड़े लेकर भी काफ़ी भाई आए हैं, किसान आए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे घोड़े आ चुके हैं और अभी आ भी रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पर जितने भी हैं वो घोड़े आने वाले हैं। ये जो मुक्तसर मंडी है ये काफ़ी फेमस मंडी है अपने पूरे भारत में, और काफ़ी पहले नाम रहा है इस मंडी का, और जितने भी हॉर्स लवर हैं उनको एक उम्मीद होती है कि हम वहाँ पर जाए, घोड़ा खरीदे, या फिर जो व्यापारी होते हैं उनको बेचने की एक उम्मीद बनी रहती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़े आ चुके हैं। कब आया साहब? कल आया साहब। कल आए? अच्छा अच्छा, मंडी आज से चालू हो गया ना? हाँ जी, आज से चालू। हाँ ओके ओके, धन्यवाद है ना। ठीक हो जी। ओके ओके, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर घोड़े आ चुके हैं और कल से घोड़े आने चालू हो चुके हैं, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं और व्यापारी खड़े हैं यहाँ पर। नमस्कार साहब। नमस्कार। कहाँ से आए हो? मलेरकोटला। या पंजाब से ही हो गया? पंजाब से ही, मलेरकोटला। अच्छा, नवा जिला बनिया। क्या नाम है आपका? बूटा। अच्छा, घोड़े लेकर आए हो? हाँ घोड़े लेके आए। कब? कल ही आएगा? कल ही आए। अच्छा अच्छा, कैसा रहा मंडी? अब की बार आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो व्यापारी तो बहुत आ रहे हैं। बहुत व्यापारी आ रहे हैं, है ना? तो ये कोरोना के बाद में जो ये मंडी है, हाँ जी, ये आपको क्या लगता है कि और तेजी से बढ़ने वाली है? तेजी से बढ़ूगी, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी है मंडी। हाँ जी, हाँ जी, लग चुकी है और काफी सारी स्टोरिया जो है वो अभी लग भी रही है। लग भी रही है। तो आपको क्या उम्मीद है? लगेगी मंडी, चलेगी ना व्यापार? व्यापार अच्छा होगा? पूरा अच्छा पूरा। पूरा व्यापारी तो आ चुके हैं, काफी आ भी रहे हैं। नहीं आ भी रहे, आ गए हैं, आ भी रहे, रास्ते में भी बहुत है। हाँ, और ट्रक भर भर के जो घोड़े हैं वो आ रहे हैं, है ना? तो मंडी अब की बार कोरोना के बाद में काफी अच्छी लगने वाली है। एक तो बारिश का मौसम है, इसलिए ये वीडियो में आज इसके लिए बना रहा हूँ कि काफी जो व्यापारी है और काफी जो घोड़े जो घर पे रखे हैं उनको पता ही नहीं है कि अभी मंडी कैसी है, क्या चल रही है, नहीं चल रही है। व्यापारी भी सोच रहे हैं कि क्या पता वहाँ पर घोड़े आए कि नहीं। तो मैं अभी ये अपडेट दे रहा हूँ कि ताकि उनको घर बैठे पता चल जाए कि भाई कि घोड़े आ चुके हैं यहाँ पर। भाई साहब पता क्या था, ये पहले मंडी का पूरा भरोसा नहीं था, अब तो खुल गया, लगेगी मंडी। अच्छा, लगी हुई है। हाँ, तो कोई कंफ्यूजन में रहता है भाई कि कोरोना है, क्या पता क्या मंडी में आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, प्रशासन पूरा कुछ नहीं है, पूरा मंडी पूरा खुला हुआ है, मंडी पूरा भरा हुआ है, जी आ रहा है, जी जी माल बिक भी रहा है, बिक भी रहा है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितने भी जो हॉर्स लवर है घर बैठे हैं, अगर आप आने इच्छुक हैं यहाँ पर मुक्तसर में तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा व्यापार हो रहा है। अगर बेचने वाला आता है तो यहाँ पर आओ, बिक जाएगा अपना माल, और ख़रीदने वाले भी आप आ सकते हैं बेझिझक। काफ़ी सारी लंबी चौड़ी आपको मैं मंडी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये मैं आपको मुक्तसर का जो हॉर्स मिला है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो स्टोरिया है वो धुंध से दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पर धुंध है और सर्दी का थोड़ा माहौल बना हुआ है, और मैं इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर कोई भाई आना चाहता है मुक्तसर मंडी में तो आ सकता है यहाँ पर, और अपने अगर माल लेके आना चाहता है तो आ सकता है, अगर ख़रीदने वाले जो हैं वो भी आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं और घोड़े घोड़िया हैं वो सब आ चुके हैं। देखो आप स्टोरी में दिखा रहा हूँ, ये सब खाली पड़ी है, अभी आ रहे हैं, आज शायद पूरा ये भर जाएगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पर थोड़ा मौसम भी अच्छा है, ये आप देख रहे हैं मिनी कश्मीर जैसा यहाँ पर फील हो रहा है। Thank you.
ये मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो सीन है वो बना हुआ है और काफ़ी व्यापारी यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो ग्राउंड है काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है और अपने अपने साजन में है, बाहर से भी आ रहे हैं जैसे राजस्थान से और दूसरे अन्य राज्यों से, यूपी से भी काफ़ी व्यापारी यहाँ पर आ गए हैं और आ भी रहे हैं। ये आप देख रहे हैं काफ़ी ट्रकें यहाँ पर खाली भी हो चुकी हैं। मैं आपको इस वीडियो में मुक्सर का जो ग्राउंड है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर घोड़े आ रहे हैं, स्टोरिया लग रही है और काफ़ी सारे जो व्यापारी हैं वो आ गए हैं और आने शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो रोड है तो काफ़ी लंबा रोड है, पूरे रोड पे ही स्टोरिया लगी है और उस साइड में भी स्टोरिया लगी है। अगर पूरा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा तो मिनिमम ये वीडियो जो है वो एक घंटे का बन जाएगा, एक कला का बन जाएगा पूरा। आप देख सकते हैं इस तरह की भी स्टोरिया यहाँ पर, साई स्टोरिया कहते हैं इनको, वो लगी है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हम पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मुक्सर का जो हॉर्स मेला है 2022 का, किस तरह से ये चालू हो रहा है। कल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आज यहाँ पर स्टोरिया और जो भी है वो सब लग रहे हैं और आज जितने भी घोड़े हैं काफ़ी घोड़े यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी गई है, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर व्यापारी भाई कोई आते हैं तो उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था है और जो आप रहने की व्यवस्था है वो यहाँ पर स्टोरिया आप लगा कर रह सकते हैं। यहाँ पर आपको रेंट पे टेंट मिल जाएंगे, इस तरह की जो स्टोरिया है वो आप लगा के रह सकते हैं। अगर कोई भाई होटल में रुकना चाहता है तो यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूरी पर सिटी है, वहाँ पर होटल की व्यवस्था आपको हो जाएगी। ये जो भी ये भी रोड जाता है यहाँ पर पूरा स्टोरिया लगी है, घोड़ों के फॉर्म है सब और अभी चालू है इनका कामकाज, आने वाले हैं घोड़े। कोरोना के बाद बहुत ही बड़ा ये मेला भरा जा रहा है और अगर कोई आना इच्छुक है यहाँ पर मुक्सर में तो आ सकता है घोड़े खरीदने के लिए हैं। जो घोड़े बेचने हैं अपने वो भी आप बेच सकते हैं यहाँ पर सेल करने के लिए,
ये आप देख रहे हैं यहाँ पर घोड़े आ गए हैं। ये सब घोड़े आ चुके हैं यहाँ पर और स्टोरिया का काम चालू है। अपने अपने साझे ट्रैक्टर के जो एक जुगाड़ बना रहता है घोड़े लाने का ले जाने का, उस पर लेके आ रहे हैं। काफ़ी सारे ट्रक में आ रहे हैं, पिकअप में आ रहे हैं और अपने अपने जैसे जो हिसाब से है वो आते हैं। और ये जो इलाका है वो एकदम काफ़ी शांत है और काफ़ी आपको अच्छा भी लगने वाला है। यहाँ पर अगर आप आते हैं घूमने भी आप आ सकते हैं। अगर घोड़े से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप घूमने के लिए भी आ सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा एक बच्चा आ चुका है यहाँ पर। ये अभी ये भी उतरा है इस ट्रैक्टर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं और आने वाले हैं। ये अभी ट्रक खाली हुआ है। तो ये काफी लंबा चौड़ा ये ग्राउंड है मिक्सर का, तो मैं पूरा इस वीडियो में कवर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कोई कोरोना का कोई इधर कहर नहीं है और अपने हिसाब से आप आ सकते हैं यहाँ पर। कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये रोड है। ये सब स्टोरी अभी नई लग रही है और लग भी रही है और कल लगी थी काफ़ी और काफ़ी आज लग रही है और आज घोड़े आने वाले हैं काफ़ी सारे। तो हम इस वीडियो में पूरे जो मुक्सर का जो मेला है वो हम इस वीडियो में हमारे इस MG इंदर सिंह यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपनी राय ज़रूर रखें, अपने कमेंट ज़रूर रखें। मैं हर सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूँ और मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी हम पुष्कर में थे, उसके बाद में सारंगखेड़ा, उसके बाद में जोधपुर, अभी मुक्सर में आ गए हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कमेंट का रिप्लाई देना। लेकिन पढ़ते सब हैं और जैसे ही हमें टाइम मिलता है तो हम रिप्लाई देने की कोशिश भी करते हैं। तो आप इस चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए, हम इसी तरह के अपडेट देते रहेंगे हर जो हॉर्स मेले हैं उनके। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा लगता है आप अगर आप वीडियो हमारे लाइक करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप काफ़ी सारे जो स्टोरी हैं वो लगी हैं और ये मुक्सर का मैं लाइव वीडियो में आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा रहा हूँ। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और काफ़ी सारे जो उम्मीद लेकर बैठे हैं अपना घर पर कि कोरोना की वजह से क्या पता आए नहीं आए, व्यापारी आए नहीं आए, घोड़े आए नहीं आए, तो वो सब कुछ आ चुका है, सब कुछ क्लियर है। तो आप व्यापारी भी देख सकते हैं, व्यापारी भी घूमने स्टार्ट हो गए। आज 12 तारीख है और 12 तारीख की मैं अपडेट आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। काफ़ी सारे जो घोड़े हैं वो आएंगे और सबका काम चालू है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे और एक एक जो वीडियो है वो हम कवर करते रहेंगे।